नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और आज आपने प्रॉफिट किया होगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आज टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिया था। मैंने आपको बोला था कि हिलेगा मिलेगा यहाँ पर स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट ले रहा है। आप देखो, यहाँ पे हिलेगा मिलेगा स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट ले रहा है और मैं इस आशा में था कि ये 525 तक आएगा डे चार्ट पर, जहाँ पर ये 50 की ईएम ने खड़ी थी। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि मार्केट को रेक्टिफाई कैसे करना है, मार्केट को ऑब्जर्व कैसे करना है, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने आपको दिया 17,600 सी बाई एट 100 to 105, 100 से 105 के बीच में बाई करना था और ये नियर अबाउट 150 152 तक गया था। मैंने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। एसएल लंबे दिया था, ये 100 से मेरे ख्याल से एक बार 99 98 तक आया था, उसके बाद ये ऊपर ही रहा, ठीक है? तो फिर मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट पे 200 की ईएम में काम कर रही थी जो यहां पर थी। 15 मिनट पे 200 की ईएम में। मूविंग एवरेज को हल्के में मत लीजिए, नहीं तो हल्के हो जाएंगे, ठीक है? मैं आपको बोलता हूं कि प्राइस एक्शन को गोली मार दीजिए, प्राइस एक्शन को छोड़िए और आइए एवरेज की दुनिया में। प्राइस हमेशा अपने आप को एवरेज करता है, या तो एवरेज प्राइस के पास जाता है या प्राइस एवरेज के पास आता है। मार्केट में यही एक नियम है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां कोई नियम नहीं है, बस यही एक नियम है जो काम करता है। बाकी जो भी आपको बताया जा रहा है सब मिथ्या है, सब मोह माया है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जब बोला कि प्रॉफिट अपना ट्रेल करते रहिए, ठीक है? उसके बाद चलते 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 मैंने आपको कई तरीके के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए। यहाँ पर ही मैंने आपको बताया कि 30 मिनट के ऊपर, अभी 30 मिनट के ऊपर भी देखेंगे। आज आप देखो कि मैंने दिखा था ओपनिंग डिफरेंस इन जीरोधा और ट्रेडिंग व्यू का, शायद आपने देखा हो। ट्रेडिंग व्यू में डाउन में मार्केट खुली थी और जीरोधा में अप में खुली थी, वो जाके आप देख लेना। इसका डालने का मेथड यही था, वोट आप लोग करते नहीं हो। मैंने इसमें बोला था आपसे कि मजा आया, आप लोग ये भी नहीं कर पाते हो तो क्या करोगे आप लोग? सर मात्र 16 वोट आए हैं, 104 लोगों ने देखा है। इसी से पता चल जाता है कि कौन से लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और कौन से लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं। मैंने आपको अपना भी ट्रेडिंग दिया था कि मैं 101 पे इंटर किया था और 151 पे चल रहा था, 152 पे मैंने बुक कर लिया था, ठीक है? मैंने आपको बोला था कि मार्केट 16,700 के ऊपर जाना मुश्किल है, तो मार्केट 16,700 के ऊपर नहीं गई है ना। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, मई महीने से साल भर वाला जो है कोर्स की फीस बढ़ जाएगी, बाकी आपकी इच्छा है आप ज्वाइन करें या ना करें। और फिर मैंने आपको एक स्टोन का भी ऑप्शन दिया था जिसका एसएल 8 पॉइंट का था, और बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहा। और मैंने आज आपको 3 स्टॉक दिए हैं, मैंने आपको दिया है IRCTC। IRCTC अपने वीकली चार्ट पर बाई में आ चुका है, आप इसको इस पे जा सकते हैं। इसका एसएल यही है 586, 10 रुपये का एसएल है, बस ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने का। IRCTC में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको 3 स्टॉक दिए हैं लगातार। एक जो है गोल्ड लाइन है, वीकली चार्ट पर ये बाई में आ चुका है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसका चार्ट आप जाके देख लेना। इसका टारगेट है काफी ज्यादा, इसका टारगेट नियर अबाउट 10 रुपये का है। इसका जो टारगेट है नियर अबाउट 10 रुपये का, तो सीधे आपका फंड 20 गुना होगा इसमें। और दूसरा है आपका 7NR। मैं बहुत मेहनत से स्टॉक आपके लिए खोज के लाता हूँ, तो कभी कभी लाइक भी कर दिया कीजिए, लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगता है, ठीक है? ये भी आपका वीकली चार्ट पे बाई है, इसका भी टारगेट है नियर अबाउट 9 रुपए के करीब। और
तीसरा जो मैंने दिया था वो था एमराइज। एमराइज का अधिग्रहण टाटा करने वाली है और फिर ये भी स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसमें अगर आप हजार हजार रुपए भी डाल देंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं स्टॉक्स पे। कल के लिए आप कैसे ट्रेड करोगे इन स्टॉक्स में? अतुल लिमिटेड, अतुल लिमिटेड जो है आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। अभी ये आपका 4 घंटे के चार्ट पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका स्टॉप लॉस है आपका 7,008। आप इसमें पोजीशन बना के जा सकते हो, इंट्रा डे में भी बना सकते हो आप और स्विंग में भी बना सकते हो। ये सारे मैं आपको स्विंग के लिए बता रहा हूँ। बर्जर पेंट अभी थोड़ा सा आपका सेल की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ से पार करेगा 583 585 को आप इसमें पोजीशन बना के जा सकते हो। अशोक लेलैंड, सबका प्यारा स्टॉक अशोक लेलैंड, में बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है 137 रुपये का, बाकी आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है, एमआरएफ बहुत ज़बरदस्त जगह खड़ा हुआ है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, आप इसमें भी ऑप्शन में जा सकते हो ऊपर। इपका लेबोरेटरीज में का स्टॉप लॉस है 799, आप इसमें भी ऊपर की तरफ ट्रेड बना सकते हो। अगर बनाना होगा तो आप मेरे को फ़ोन करना, मैसेज करना। एलएनटी में आपका डेथ क्रॉस ओवर होने वाला है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागने वाला है। स्टॉप लॉस है इसका 3480। और कॉनफोर्ज में देख लेते हैं, कॉनफोर्ज अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, कल ऊपर की तरफ खो सकते हैं, तब भी आप इसमें पोजीशन बना के जा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी पे। ट्रेड कैसे करना था जो मैं आपको हमेशा करता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिएगा। ट्रेड कैसे करना था, टिप्स ले लेके आप लोग परेशान हो चुके हो, है ना? आदत नहीं छूट रही है टिप्स की, कभी इसको ज्वाइन कर ले रहे हैं, कभी उसको ज्वाइन कर ले रहे हैं, बहुत ही दिक्कत वाला मामला चल रहा है। तो देखिए आज ट्रेड कैसे करना था। मैंने आपको आज बिना सेटअप के ही ट्रेड दे दिया था, बिकॉज आप मुझे पता था कि 900 की सॉरी 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे नहीं जा पाएगा 15 मिनट के चार्ट पे। उसके बाद ये जैसे इसके ऊपर आने लगा मैंने आपको ट्रेड दे दिया। ठीक है, क्या आपको 30 मिनट के चार्ट पे आज ट्रेड मिला था जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ? मिला था सर, ये कैंडल पे मिला था, इस कैंडल का ऊपर गए, 17,643 पे आपका ट्रेड था, 17,607 पे आप एकदम सेफ थे, बहुत सिंपल सी बात है। इसके नीचे का भी स्टॉप लॉस रख लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी और आराम से ऊपर जाते। ठीक है, इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी खुली, नीचे आई, 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर गई, यहाँ पे टिक गई, यहीं से आपका ट्रेड था। अगर आप इसको 30 मिनट पे आके देखोगे तो बहुत ही प्यारा सा ट्रेड था। देखिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 42,054 पे और ये गया था 42,293, नियर अबाउट 300 पॉइंट आपको मिले थे। तो बताने का मतलब यही है मेरे मित्र कि मार्केट में पैसा आसान चीज़ों से बनता है, दुनिया भर की चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अब आइए देख लेते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट जो है क्या करेगा कल। और उसके पहले थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट को हम लोग भी देख लेते हैं, वर्ल्ड मार्केट हमारा क्या बोल रहा है। वर्ल्ड मार्केट में जो हो रहा है सर, सबसे पहले देख लेते हैं कि डाउ जोन्स क्या बोल रहा है। डाउ जोन्स को अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो डाउ जोन्स अभी भी 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ने के सस्ते नहीं हो पा रहा है और आज जब खुला तो 20 की मूविंग एवरेज के पास आया और यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, एसजीएक्स क्या बोल रही है, एसजीएक्स में देखिए जो होना था वो हो गया,
SGX नीचे आ रही है, ये भी 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे है। तो मोस्ट प्रॉबली अगर मैं इसको एक दिन के चार्ट पे ले जाऊं SGX निफ्टी को, तो एक दिन के चार्ट पे ये थोड़ा सा बियरिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ब्लू वाली लाइन ऊपर आ चुकी है, हिलेगा मिलेगा कि ब्लू वाली लाइन एडवांस हिलेगा मिलेगा कि ऊपर आ चुकी, तो ये बता रही मार्केट अभी थोड़ा सा गिरेगा। कहाँ तक गिर सकता है? मार्केट गिर सकता है 17,590, उसके हिसाब से अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी यहाँ पर आ सकती है 17,604 तक, ठीक है। लेकिन क्या डे चार्ट पर भी निफ्टी ये बता रही है? डे चार्ट पे निफ्टी क्या बता रही है? डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो गिरावट की संभावना बन चुकी, क्योंकि ये ब्लू लाइन ऊपर आ चुकी है, गिरावट की संभावना बन चुकी है। और कल देखते हैं कि क्या माजरा बनता है, कल भी मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ल्ड मार्केट, बाकी कल सवेरे कैसे खुलता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे करते हैं कल ट्रेड कैसे करेंगे। निफ्टी में कल ट्रेड करने के लिए मेरे मित्र, नीचे की तरफ ट्रेड में जाने के लिए, जब तक मार्केट इस 15 मिनट में इस 200 की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आके 17,574 के नीचे नहीं चला जाता है, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, और अभी इसको ऑप्शन चेन पर भी समझेंगे। और अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है, अगर इसको तोड़कर मार्केट नीचे आता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा आपका 17,433 का। इससे ज़्यादा नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा, बकिया मार्केट है, गिर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। मैं मार्केट में ऊपर की ही तरफ हूँ, मेरा व्यू जो है वो ऊपर की ही तरफ है मार्केट में। ऊपर की तरफ कब जाएंगे? ऊपर की तरफ तब जाएंगे जब ये आज का हाई मार्केट निकाल देगा। आज का हाई है आपका 17,770, 17,770 को जब मार्केट निकाल देगा तभी मैं ऊपर जाने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर ऊपर गया तो फिर मेरा अगला टारगेट होगा 17,863, फिर 17,923, फिर 18,000 पे जाके टारगेट बुक। तो ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको मेरे से ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज लेनी है या पूछताछ लेनी है, तो आप मेरे को 8588181834 पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल एसके स्टॉक टॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, टेलीग्राम पर आप जा सकते हैं एसके स्टॉक टॉक्स 100। इन तीन जगहों पे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, किसी फर्जी चैनल में मत चले आइएगा, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या बोल रही है? ट्रेडिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया। बैंक निफ्टी अगर कल 17,365 के ऊपर निकलती है तो हमारा अगला टारगेट होगा 42,365 के ऊपर निकलती तो अगला टारगेट होगा 42,626, फिर अगला टारगेट होगा 43,000। ऊपर के ये दो टारगेट हैं बैंक निफ्टी के। नीचे की तरफ क्या करेंगे हम बैंक निफ्टी में? अगर बैंक निफ्टी इस 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाती है, अगर बैंक निफ्टी, मैं ये बट डाल दे रहा हूँ, एक रिएक्शन लाइन में डाल दे रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी इस 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाती है तभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। और अगला टारगेट होगा हमारा 41,805 वाला लेवल, ये जो 50 की मूविंग के आसपास खड़ा है, ये ग्रीन वाली लाइन, और यहाँ से निकलेगा तो सिंपल हमारा 41,403 के पास हम जाएंगे, ठीक है साहब। तो ये हुआ, देखिए इस एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के मार्केट में, इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के और स्विंग ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए अलग अलग तरीके की विधियाँ अपनाई जाती हैं। ऐसे आपका होता है राइजिंग वेज, आपका होता है डाउन वेज होता है, रिग्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, आइसोलेशन भी होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ले आऊँगा, जिससे, और एक दो इंडिकेटर भी मैं आपको बता दूंगा जिससे आप मार्केट में बहुत तरीके से लेवल निकाल के उस पर काम कर सकते हैं। डे हाई और डे लो का भी होता है
और एक दो बहुत ही ऐसे इफिशियंट इंडिकेटर हैं जो मार्केट में आपको बता देंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तब आपको खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप अलग अलग तरीके के वीडियो देखते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब आपको सीखने पर ध्यान देना है, ना कि टिप्स पे ध्यान देना है। सीखने पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो मैंने आज आपको स्टॉक्स बताए हैं उन स्टॉक्स पे स्टिक करके रहिए, और 500-500 रुपये की खरीद लीजिए, 1500 का इन्वेस्टमेंट है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर 50 पैसे का स्टॉक 20 रुपये पर चला जाता है तो आप समझ सकते हो कितना हो सकता है। 50 पैसे का स्टॉक अगर आप खरीदोगे, 1000 स्टॉक भी खरीदोगे तो 500 रुपये में आपको मिल जाएगा, और 1000 का वही स्टॉक कल को अगर 10-20 रुपये का हो गया तो आपको 8-10 हज़ार रुपये आराम से बन जाएंगे। अपने लिए नहीं, आने वाले भविष्य को आप सुरक्षित कीजिए, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या बोलती है? ऑप्शन चेन जो निफ्टी में बोल रही है 17,700 के लेवल पे मारामारी चल रही है। 17,700 के लेवल पे मैंने दोपहर में देखा था, यहाँ पे नियर अबाउट 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट चल रहा था, एक यहाँ पे ओआई पे, और यहाँ पर तो 1.5 लाख तो है ही, यहाँ पर भी उसी तरीके से चल रहा था, यहाँ पर से कुछ लोग भागे हैं, ठीक है साहब। तो अगर अभी मैं निफ्टी का आपको रेंज निकाल के बताऊं तो निफ्टी का रेंज 17,600 से लेके 17,800 तक का है, कल के लिए 17,800 तक का है, इससे ज़्यादा का रेंज नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर देखिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है तो उसकी बात अलग है, क्योंकि कल आपका फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। बैंक निफ्टी में क्या आपकी रेंज निकल के आ रही है? बैंक निफ्टी में 42,200 से लेकर 42,500 तक की रेंज है, ठीक है। 42,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और मार्केट 42,200 पर ही खड़ा है, 42,262। तो यहाँ पर 42,200, 42,300 वाला यही लेवल है, और यहाँ पे 3632 60,000 लोग हैं, और यहाँ पे 83,65 यहाँ पे दोगुने हैं, तो मार्केट नीचे जाने की संभावना ज़्यादा रख रहा है, ठीक है मेरे मित्र। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल बता दिए, ट्रेडिंग कैसे करनी है वो बता दिया, और मैंने आपको ऑप्शन चेन बता दिया, और मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए। इसके अलावा एक दो बातें और जान लीजिए कि आप सीखने पर ध्यान दीजिए, टिप से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे कौन से लोग सीखने वाले हैं और कौन से लोग मात्र देखने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको दिन में डिफरेंट टाइम फ्रेम के चार्ट देता हूँ कि आप अपनी एनालिसिस में उसको आप रोज़ शामिल करो। अगर आप शामिल नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, अगर आप शामिल नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसी आशा के साथ हम लोग मिलते हैं कल मार्केट में, कल फिर से प्रॉफिट किया जाएगा, फिर से सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। अगर कोर्स की रिगार्डिंग कोई बातचीत करनी है तो आप मेरे चैनल पे आके इस पे नंबर पे आके बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।